बड़ी मुश्किल से टाइम लिया कबीरे से 2 महीने का, लेकिन अबी तुम लोग इधर का रुख ना करना, बता रहा हूँ मैं। कबीरा भाई जबान से कल्टी मार गए ना तो उठा देगा तुम दोनों को, आराम से रहो वहीं पे भी। और तुम लोगों की शादी की बात भी हो जाएगी कुलसुम से। अबे रामू की बीवी करेगी ना बात, सारा मामला सेट कर दिया मैंने, 5,000 रुपए दिए हैं उसे बात करने के लिए। तुम लोग बातें कर लो बस, और काम वाम सारे बंद कर। नहीं नहीं नुमान, इतनी देर में घर से बाहर नहीं रह सकती, और रात को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फायजा तुम डर रही हो? हाँ मैं मम्मी से डरती हूँ, और मुझे डरना भी चाहिए। मैं मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुमसे नहीं डरती मैं। तो फिर पार्टी में चलोगी मेरे साथ? नहीं नुमान, मुझे पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। Come on यार, ये बर्थडे पार्टी है। नुमान क्या हम कोई दूसरी बात नहीं कर सकते? ओके, हम कोई और बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि आंटी की तबीयत कैसी है, वो घर आ गई हैं या अभी तक हॉस्पिटल में हैं? अल्लाह का शुक्र है तबीयत बहुत बेहतर है और घर आ गई हैं। अच्छा सुनो, वो तारा आपस से बात की थी तुम्हारी? मेरे बारे में क्या बात हुई, क्या कहा है उन्होंने? वो कह रही थी कि खुद अम्मी से बात करेंगे। हाँ लेकिन नुमान अभी तो घर में आप ही की शादी की बात चल रही है, सिचुएशन में मेरी शादी की बात तो। ये तो अच्छी बात है ना, उनके साथ साथ हमारी बात भी हो जाएगी। अब इतना भी आसान नहीं है जितना तुम आसान समझ रहे हो। इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लेकिन अम्मी इतनी जल्दी राजी नहीं होंगी नुमान। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे बाबा है ना वो खुद बात कर लेंगे, बना लेंगे उनको। ओके नाहिद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। किससे बात कर रही थी? नाहिद, नाहिद से बात कर रही थी। वो जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है? जी मेरे कॉलेज में, मेरी ही क्लास में पढ़ती है। अच्छा